वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स या फिर लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। कल हमने देखा था लिपिड लोअरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होते हैं, एजेंट्स डेट रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स इन द ब्लड्स आर कॉल्ड लिपिड लोअरिंग एजेंट्स एंड हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। These are the agents are used to prevent the atherosclerosis problem, which is convert to the complication of various heart disease। आपको मैंने बताया था atherosclerosis के बारे बाद में क्या होता है कि जो बाद में आपका काफ़ी कार्डियक डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, जैसे एंजाइना है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बॉडी के ब्लड में जो लिपिड कंटेंट जो फ्लो हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है, उसको कम करें। और दूसरी बात, मैंने कल आपके बात की थी कि हमारे लिपिड्स में बेसिकली जो बैड लिपिड जैसे बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, डेट इज़ द LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दीज आर द दोनों जो फैट्स हैं या कोलेस्ट्रॉल हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जहाँ भी इंजरी होगी वहाँ ये डिपॉजिट हो जाती हैं और डिपॉजिट ब्लड वेसल्स पर होकर वहाँ पर एक एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिससे कि जो आपका ब्लड वेसल्स का जो नैरो होती जाती है और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता है, जो बाद में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में चेंज हो जाता है। तो हमने पहले क्लासिफिकेशन की बात की थी, क्लासिफिकेशन में हमने HMG कोएंजाइम रिडक्टेज किए थे, स्टैटिंस की बात की थी। तो स्टैटिंस बेसिकली वो एजेंट थे जो आपके HMG को एंजाइम यानी हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल ग्लूटाराइल एंजाइम को ये ब्लॉक कर देते हैं, एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या फॉर्मेशन जो मेलानोनेट का जो फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है। और मेलानोनेट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप होती है फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, क्योंकि अगर मेलानोनेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं बन सकता है, BLDL या LDL हायर क्वांटिटी में आपके बॉडी में नहीं बन सकता है। ये एक पॉइंट होता है जिससे कि इसकी सिंथेसिस होती है। तो एट्रोवास्टिन बेसिकली इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण मेनबोलिनेट नहीं बन पाता था और मेबोलेट ना बनने के कारण क्या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही थी। और एक और बात थी कि ये आपके बेड टाइम दिए आते हैं, क्योंकि इनके हायर एक्टिव होते हैं बेड टाइम, क्योंकि रात में इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बेड टाइम दिया जाता है ताकि एंजाइम को जब ज़्यादा एंजाइम एक्टिव हो तब उस एंजाइम को इनएक्टिव कर दे, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ना हो पाए। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग, इस जो आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका गेमीफ्लोजिल, जिसे हम फाइब्रेट्स भी बोलते हैं। फाइब्रेट्स आर मोस्टली आजकल फाइब्रेट्स और स्टेटिंस दो ही चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं टू लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड लिपिड लेवल्स। तो पहले मैंने आपको स्टेटिंस की बात कर ली थी, अब मैं आपसे फाइब्रेट्स की बात करूँगा। फाइब्रेट्स में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, गेम फाइब्रोजल्स, ठीक है। फाइब्रेट्स यानी कि ये आपके आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी एक्टिवेट द लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। या लिपोप्रोटीन लाइपेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो लिपिड का ब्रेकडाउन आसानी से होने लगता है, जिससे क्वांटिटी ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो यानी कि ये प्राइमरी एक्टिवेट द लिपोप्रोटीन लाइपेज विच इज ए की एंजाइम्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ BLDL रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ सर्कुलेटिंग TGS मतलब ट्राइग्लिसराइड, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या BLDL लेवल कम हो जाता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फाइब्रोइड्स एक्ट एस पेरोक्सिसोम पॉलीफ्लेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर्स अल्फा PPAR अल्फा, इन रिसेप्टर पर एक्ट होते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो होता है डेट इज ए जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग रिसेप्टर होता है, ये जीन ट्रांसक्रिप्टिव रेगुलेटिंग रिसेप्टर्स होता है। ये जाके जो रिसेप्टर क्या करेगा, ये रिसेप्टर्स जो होता है वो आपके जीन को जीन पे पहुंचता है या DNA पे पहुंचता है, और DNA की जब DNA पे उस भाग पे पहुंचता है जिससे DNA का RNA का रेप्लिकेशन होता है, जो RNA का रेप्लिकेशन होता है जो RNA रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सीधे जाके उस पेरोक्सिसोम पॉलीफ्लेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर्स जाके एक्ट हो जाते हैं। और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर DNA पे जाके पहुंचता है, और DNA पे पहुंचकर उस तरह के उस mRNA का उस mRNA का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, जिस जो mRNA उस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा जिससे कि लाइपेस एंजाइम्स, ये लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम की सिंथेसिस हो जाए। तो क्या करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ
पॉलीफ्लेटिव एक्टिविटी रिसेप्टर PPAR अल्फा इनहांस द लिपोप्रोटीन लाइपेज सिंथेसिस। लिपोप्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी क्योंकि mRNA बनेगा, mRNA का पहुंचता है बॉडी न्यूक्लियस के बाहर आता है सेल में, और न्यूक्लियस के बाहर आके mRNA राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब वो किसी सिंथेसिस करेगा आपके इसी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स की, जिसकी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। तो ये आल्सो मीडिएट, इसकी वजह से क्या होगा, PPAR अल्फा आल्सो मीडिएट द इनहांस द LDA रिसेप्टर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये PPAR अल्फा रिसेप्टर्स की वजह से ये अल्फा जब एक्टिवेट होता है, इसके कारण एक और प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि लीवर पर LDL रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे LDL रिसेप्टर होते हैं वो आपकी लीवर बढ़ जाते हैं, ताकि लीवर लो डेंसिटी प्रोटीन को यूटिलाइज करता है, उसके ब्रेक डाउन कर देता है। सीन पर्टिकुलरली विद द सेकेंड जनरेशन फाइब्रेट्स में ये दिखाया गया है। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन बेसिकली क्या हुआ कि ये ड्रग जितने भी हैं वो आपके PPAR अल्फा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर पर एक्ट होते हैं, और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पहुँचता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पहुँचने के बाद में DNA से RNA जो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलती है, उस तरह के mRNA का फॉर्मेशन कराता है, जो mRNA रिस्पॉन्सिबल होता है लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस के लिए। जब mRNA उस तरह का ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो लाइपेज सिंथेसिस ज़्यादा होगी, लाइपेज सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो प्रोटीन जो आपके लिपिड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, उसका ऑक्सीडेशन फैटी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। साथ में ये भी दिखा गया है कि ये जो PPAR अल्फा एक्टिवेटर्स होते हैं वो आपके LDA रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, यानी LDA रिसेप्टर जो लीवर पर होते हैं उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से LDL का ब्रेकडाउन लीवर में ज़्यादा होने लगता है, साथ में LDL ब्लड में कम होने लगता है। ये तो इसका मोड ऑफ एक्शन हुआ। अब आते हैं फार्माकोजिशन में। इट अनाउंस द एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स, दिस रिजल्ट्स डिक्रीज LDL BLDL लेवल इन द ब्लड। ठीक है, जिसकी वजह से LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, BLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दोनों ही ब्लड में कम हो जाते हैं। बट आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ SDL, जब SDL बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये कम हो जाएंगे तो SDL नॉर्मली अमाउंट से बढ़ जाता है। SDL हमारा क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ये बहुत तरह के मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, साथ में ये फैटी एसिड्स को रिलीज को एडिपोज टिश्यू से कम कर देते हैं, जैसे ब्लड के अंदर फैटी एसिड की कंटेंट क्या होता है, कम हो जाता है। इट डिक्रीज द ट्राइग्लिसराइड TGS में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को ब्लड में ये कम करते हैं। अब बात करते हैं ADMA की, इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल रूट, ओरल रूट से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटाबोलाइज लीवर में होंगे और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट रहता है यहाँ पे, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, लूज मोशंस, स्किन रैशेस, बॉडी एच, इसिनोफीलिया, ये तो मोशन लूज मोशन तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन स्किन रैशेस है, बॉडी एच है, इसिनोफीलिया है, इसिनोफील का काउंट कम हो जाना, इम्पोटेंस है, हेडेक है, ब्लर विजन्स भी हमने कुछ पेशेंट में ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म थेरेपी। लेकिन एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस मतलब एपिगेस्टिक मतलब हमारे स्टमक को कुछ पेन सिम्टम पेन होना, साथ में लूज मोशन होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो जेमिप्रेविजल जब स्टेटिन के साथ में जाते हैं तो मायोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि जेमिप्रेविजल को स्टेटिन के साथ में ना दें, कॉम्बिनेशन ना दें तो मायोपैथी नहीं होगी। मायोपैथी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मसल्स के अंदर कोई वीकनेस हो रही है, मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, दैट इज़ द मायोपैथी। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, कंट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो फीटस डेवलप होता है मदर की यूट्रस में, तो उसमें बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम ये ड्रग दे देंगे तो उस कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स की सिंथेसिस मदर में नहीं हो पाएगी, जो यूटिलाइज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस। यूट्रस में उस फीटस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल जो ज़रूरी हैं वो फॉर्मेशन ना हो पाए, इसलिए प्रेगनेंसी कंडीशन में इस तरह के ड्रग को हम अवॉइड करते हैं। यूज़ की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस को डिजॉल्व करने में, हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो, ब्लड में लिपिड लेवल बढ़ा हो, साथ में ब्लड में हाइपरलिपोप्रोटीन भी बढ़ी हो, तो दोनों तीनों कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका हाइपरलिपिडेमिया ड्रग्स। अब एक चीज़ मैं जनरल चीज़ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, दो चीज़ लिपिड्स होते हैं, एक होता है हमारी बॉडी में SDL, LDL, BLDL और जो BLDL को तो और SDL, LDL दोनों ही क्या हार्मफुल हैं, SDL क्या है बेनिफिशियल है। इसके साथ में जो है कि बहुत से ऑयल्स होते हैं जो बेस होते हैं हमारे, जिसके हम जो ऑयल्स भी हमारे जो हम ऑयल को अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, ये भी हमारे इन SDL, LDL लेवल को अफेक्ट करते हैं। इसलिए जैसे रिफाइंड ऑयल है और जो आपका वनस्पति घी आता है,
ये आपके बेसिकली BLDL और LDL लेवल को बढ़ाते हैं, जो हमारी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स भी बड़ी हार्मफुल होता है, देखने में तो कम लगता है, लेकिन ये हमारे रिफाइंड ऑयल में एक दिक्कत ये भी होती है कि वह HDL को कम कर देता है। LDL और BLDL एक बार तो इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन HDL कम कर देता है। और HDL कम होने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब कहते नहीं है कि ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है। फ्रिक्शन यानी कि बहुत सारी मोमेंटम हमारी बॉडी में जो फ्रिक्शन को लॉस होता है, फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने की ज़रूरत होती है, वो HDL मेंटेन करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ HDL कम होता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से और टाइप के डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी डाइट में सरसों का तेल, तिल का तेल ये यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपकी बॉडी के अंदर HDL प्रॉपर तरीके से बना रहेगा, LDL और BLDL नहीं बढ़ेगा। आप तो ये तो मेरा सजेशन है, बाकी आप एक बार और भी इस पर सर्च कर सकते हैं, इस पर आजकल काम हो रहा है। विच ऑयल इज़ वेरी हेल्दी फॉर द हार्ट डिसीज़, विच ऑयल और कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इतने हेल्दी नहीं है, बाद में इसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इस तरह आज ये कम्प्लीट हुआ आपका हाइपरलिपिड ड्रग या लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। नेक्स्ट मंडे को हम नेक्स्ट नए ड्रग को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।